वी आर डीलिंग विद चैप्टर सम्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नामेंट्री चैप्टर नंबर नाइन एक्सरसाइज नंबर नाइन पॉइंट वन of class टेंथ mathematics पहले पांच क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट टू क्वेश्चन नंबर फाइव वीडियो फर्स्ट में किए थे उसके बाद हमने वीडियो सेकेंड में क्वेश्चन नंबर सिक्स सेवन एट किए एंड इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर नाइन से आगे करेंगे सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट straight अवे मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर नाइन सो क्वेश्चन नंबर नाइन जो हमारा है वो है द एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ अ टावर इज थर्टी डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज सिक्सटी डिग्री इफ द टावर इज फिफ्टी मीटर हाई फाइंड द हाइट ऑफ बिल्डिंग देखो मेरे बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड ए क्वेश्चन मीन्स हमारे पास एक क्वेश्चन का मतलब क्या है हमारे पास एक टावर है ठीक फॉर एग्जाम्पल दिस इज अव टावर ठीक अब क्या बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिविएशन पहले इधर से पढ़ो इफ द टावर इज फिफ्टी मीटर हाई मीन टावर फॉर एग्जाम्पल हमने ए बी रखा टावर फिफ्टी मीटर हाई है ठीक तो इधर साइड से एक बिल्डिंग होगी फिर फॉर एग्जाम्पल लेट इस कंसिडर दिस इज अ बिल्डिंग फॉर एग्जाम्पल लेट मी नेम इट एज सी एंड डी ठीक अभी क्या बोल रहा है क्वेश्चन क्वेश्चन बोल रहे हैं हमें द एंगल ऑफ एलविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर मीनस की फुट ऑफ द टावर अभी देखो मेरे बच्चों ये ये हमारा ये जो हमारा जो है ये टावर है इसको साइड में लिख के रखो टी और ये जो हमारी है ये हमारी बिल्डिंग है इसको साइड में रखो बी लिख के टावर और बिल्डिंग ठीक है कि नहीं है अभी हमें बोल रहा है द एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग मीनस बिल्डिंग के फुट से टावर के टॉप तक मीनस टावर का टॉप ये है और बिल्डिंग का फुट ये है यहां से यहां तक एंगल जो फॉर्म हो रहा है इट इज सिक्सटी डिग्री इसको ऐसे मिलाओ तो ये एंगल इधर सिक्सटी डिग्री फॉर्म होगा ठीक एंड फिर बता रहा है उधर से इधर से और एक चीज बता रहा है द एंगल ऑफ एलिविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द बिल्डिंग मीनस टॉप ऑफ द बिल्डिंग एंड फुट ऑफ फुट ऑफ द टावर का एंगल जो है वो थर्टी डिग्री है मीन्स इसका एंगल ये थर्टी डिग्री है ठीक, ठीक? हमें building ये वाला means निकालना है, फिर से मैं repeat करता हूं, हमारे पास एक बिल्डिंग टावर है, टावर है सी डी ये मैंने इसका रखा बी मीन बिल्डिंग टी मीन टावर डोंट कंफ्यूज इन दिस इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप आफ, आपको ये नाम नहीं लिखने हैं, बट जस्ट मैंने ये नाम लिखे इन ऑर्डर ताकि आपको थोड़ा सा याद रहे ये, ठीक है फिर उसके बाद इसका टॉप और इसका फुट जो है सिक्सटी डिग्री एंगल बना रहा है इसका टॉप और इसका फुट जो है थर्टी डिग्री एंगल बना रहा है हमें निकालना है हाइट ऑफ बिल्डिंग हमें निकालना है तो हम पहले जो हमें दिया हुआ है हमें दिया हुआ क्या है हमें दिया हुआ है लेट सी डी बी हाइट ऑफ बिल्डिंग मीनस सी डी हाइट ऑफ बिल्डिंग है जो हमें पता नहीं है मीनस जो हमें मालूम करनी है एंड उसके बाद हाइट ऑफ टॉवर हाइट ऑफ टॉवर मीनस टॉवर की हाइट जो हमने रखा है ए बी दैट इक्वल टू फिफ्टी मीटर्स ठीक है मीनस ए बी कितना है ए बी फिफ्टी मीटर्स है ठीक अब हमें निकालना क्या है हमें निकालना है ये मीनस हमें निकालनी है सी डी हमें निकालना है अगर हम पहले ये वाली ट्रैंगल ले ए बी और सी ठीक है ए बी और सी ले पहले हम देखो मेरे बच्चों अगर हम ये वाला एंगल इसमें देखें ना ये फुल वाला एंगल ये वाला 90 डिग्री है और इधर से ये वाला भी 90 डिग्री है अब ये इस ट्रैंगल का ए बी सी का ये एंगल 60 डिग्री है बट डी बी सी का ये वाला एंगल 30 डिग्री है अगर हम पहले ले ले इन ट्रैगल ए बी सी इन ट्रैंगल इन ट्रायंगल ए बी सी ठीक हमने ट्राइंगल ए बी सी ली उसमें हमें मालूम क्या करना है हमें बी सी की जरूरत है, है? समझ आ जाएगा डिवाइडेड बाई जो दिया हुआ है A, to, अगर आप ये ट्राएंगल देखोगे ए बी और सी ठीक बी सी जो है वो क्या है वो बेस है और ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है बेस डिवाइडेड बाई परपेंडिकुलर कॉट होता है ठीक और एंगल कॉट का कितना है एंगल है 60 डिग्री ठीक है विच मीनस दैट बी हमारा मालूम करना है डिवाइडेड बाई ए बी वो तो 50 है इज इक्वल टू कॉट ऑफ 60 डिग्री कॉट 60 इज इक्वल टू वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री इसका वैल्यू है ट्रिग्नामेंट्रिक टेबल देख सकते हो या अगर आपको ट्रिग्नामेंट्रिक टेबल याद है तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा विच मीनस दैट बी जो हमारा है इट्स इक्वल टू फिफ्टी वन और फिफ्टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री मीनस बी सी हमारा निकला फिफ्टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक नाउ लेट एस स्ट्रेट अवे मूव मूट दिस वेरी ट्राइंगल डी सी एंड बी अब अगर हम करेंगे इन ट्राएंगल कौन सी ट्राइंगल डी सी और बी डी सी बी में हमें ऑलरेडी उधर से डी सी मालूम करना है मीनस डी सी मालूम करना है डिवाइडेड बाई अब बी सी हमें पता है

कि DC जो है इट इज इक्वल टू बी सी इंटू मीन बी सी इधर चढ़ेगा तो बी सी इंटू वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक विच मीन्स दैट डी सी की लेंथ जो है दैट्स इक्वल टू बी सी बी सी कितना है फिफ्टी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक ये BC के बदले में हमने लिखा फिफ्टी अंडर रूट ऑफ थ्री क्योंकि BC है 50 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री तो BC के बदले में हमने लिखा 50 डिवाइडेड बाय अंड रूट ऑफ थ्री और उसके बाद इनटू ये वाला 1 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ

वो वन एंड द सेम थिंग मीटर्स ठीक है कि नहीं है को दियर फोर आप लिख सकते हो जो हाइट ऑफ बिल्डिंग थी जो हाइट ऑफ बिल्डिंग थी मीन जो हमें मालूम करना था वो है फिफ्टी डिवाइडेड बाई थ्री आर आप लिख सकते हो सिक्सटीन इज टू टू बाई थ्री मीटर्स ठीक है कि नहीं है विद दिस वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर नाइन ऑफ एक्सरसाइज नाइन पॉइंट वन लेट्स मूव टवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन नंबर टेन जो हमारा है वो है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट्स आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन ईदर साइड ऑफ रोड विच इज एटी मीटर वाइड फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन हमारा एक रोड है ऐसे फॉर एग्जांपल, ठीक रोड का नाम मैं रखता हूँ बी डी और रोड कितना रोड की लेंथ कितनी है वो है एटी मीटर ठीक है मीन्स वाइड है ये एटी मीटर विच इज एटी मीटर वाइड मीन्स रोड एटी मीटर वाइड है अभी दो पोल इसमें खड़े हैं फॉर एग्जाम्पल इधर साइड से इधर साइड मीन अपोजिट साइड में दो पोल खड़े हैं इधर साइड से एक ठीक है दो पोल खड़े हैं फ्रॉम अ पॉइंट बिटवीन देम ऑन द रोड अब ये बीडी रोड है इधर इसके बीच में किसी जगह एक पॉइंट था उधर से लेके ये जो पोल्स के टॉप्स है वो बनाते हैं एंगल 60 डिग्री एंड 30 डिग्री मीनस पोल हमारा कौन कौन सा है एक का नाम हम रखेंगे ए बी ये एक पोल है दूसरा का नाम हमने रखा इधर से डी तो इधर से सी मीनस सी डी ये दूसरा पोल है ठीक है हमें बस अभी रोड का लेंथ पता है रोड कितना वाइड है ये पता है कि ये फिलहाल 80 मीटर है ठीक है रोड 80 मीटर वाइड है और इधर साइड से इसका एक पोल इधर साइड से इसका एक पोल लगा हुआ है ठीक अभी रोड के बीच में किसी जगह एक पॉइंट है हमें नहीं पता कि कितना डिस्टेंस है इधर से इधर तक या इधर से इधर तक टोटल विड़त 80 मीटर पता है अभी इनके जो टॉप है वो इस पॉइंट के साथ एंगल्स बनाते हैं ऐसे और ऐसे एंगल्स बनाते हैं ठीक और एंगल्स कितने कितने हैं एंगल्स है सिक्सटी डिग्री एंड थर्टी डिग्री ठीक है कि नहीं है हमें हाइट ऑफ द पोलस निकालनी है मीन ए बी एंड सी डी ये तो हाइट ऑफ पोलस है बट ए बी जो होगा वो सी डी के बराबर है क्योंकि हमें पहली बात बोली जाती है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट मीन इनकी हाइट इक्वल होगी ठीक फाइंड हाइट ऑफ पोल्स एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम पोल्स पोल्स और डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम ये इधर हमने ओ रखा और इस पॉइंट से डिस्टेंस पोल्स की मीन ओ बी कितनी है क्योंकि ओ से डिस्टेंस पोल की ओबी होगी एंड ओ से डिस्टेंस डी की ओडी होगी ये हमें मालूम करना है ठीक सो so पहले हम कहा से स्टार्ट करेंगे हम लिखेंगे लेट ए बी एंड सी डी ए बी एंड सी डी बी द पोल ए बी और सी डी पोलस दो है ठीक एंड ओ इज द पॉइंट ओ एक ऐसा पॉइंट है ओ इज अ पॉइंट फ्रॉम वायर जहां से क्या दिलीविएशन एंगल्स आर मेजर्ड मीन्स कि हमने लिखा ये दो पोलस का हाइट है ठीक और ओ से ही एंगल्स ऑफ एलिवेशन फॉर्म हो रही है मेजर हो रही है ठीक अगर मैं पहले करूं इन ट्रायंगल पहले वाले मैं लूंगा ट्रायंगल ए बी और ओ ए बी और ओ ये ट्रायंगल मैं फिलहाल लूंगा मैं लूंगा इन ट्रायंगल ए बी और ओ ठीक अगर आप देखोगे गौर से हम हमेशा जो दिया हुआ साइड उसको डिनोमिनेटर में लेते थे जो मालूम करना है उसको न्यूमिनेटर में लेते थे बट इधर कोई साइड नहीं दिया हुआ है ठीक है अगर आप ए बी ओ में देखोगे कोई भी साइड नहीं दिया हुआ है सो हम क्या करेंगे हमें अपनी मर्जी है ए बी मैंने ऊपर रखा डिवाइडेड बाई बी ओ मैंने नीचे रखा ये ओ है डोंट कंफ्यूज इन दिस ओ है, है इधर ओ ठीक ए बी डिवाइडेड बाई अब ए बी ऊपर खड़े होता है तो इसको ऊपर रखा बेस डाउन होती है तो इसको डाउन ही रखा ठीक है नीचे रखा दैट इज इक्वल मींस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस दैट इक्वल टू टैन और एंगल इसका सिक्सटी डिग्री ठीक विच एम्प्लाइज दैट मैं लिख सकता हूं ए बी ए बी हुआ डिवाइडेड डि बीओ बीओ क्योंकि किसी का कुछ मेजरमेंट पता नहीं इज इक्वल टू टेन सिक्स इक्वल टू अंडर रूट ऑफ थ्री फिलहाल हमें बस इतना ही पता है विच मीन दैट मैं लिख सकता हूं जो बीओ है बी ओ है दैट्स इक्वल टू दैट्स इक्वल टू ए बी अदर साइड से तो ए बी ठीक डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री देखो कैसे अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कैसे बीओ को मैंने इस साइड शिफ्ट किया तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा ऊपर आ जाएगा ना बीओ को अगर मैंने उस साइड शिफ्ट किया तो ऊपर आ जाएगा चढ़ा लिया ऊपर अब मैंने अंडर रूट थ्री को इस साइड शिफ्ट किया ए बी को अपने साइड रखो ए बी तो अपने है, बट अंडर रूट को इस साइड शिफ्ट करो तो डिवाइड में आ जाएगा वही मैंने किया बीओ को उस साइड लिया तो इस साइड लिया इस साइड आ गया ठीक है ए बी को इसी साइड रखा ए बी को इसी साइड रखा अंडर रूट थ्री को इस साइड लाया तो वो ए बी के डिवाइड हो गया वही मैंने लिखा बीओ इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री फिलहाल ठीक है कि नहीं है फिलहाल हमने एक इक्वेशन डिराइव करी उसके बाद आगे उसके बाद अगर मैं करूं मैं ले लूंगा इन अब ये वाली ट्रायंगल में ले लूं पहले सी डी ओ मीन लूंगा इन ट्री डी एंड ओ मैंने सी डी ओ ट्रायंगल ले ली ठीक है कि नहीं है इसमें अगर मैं ले लूं फिर इक्वल टू मीन डिवाइडेड बाई बेस फिर से टेन ऑफ थर्टी डिग्री टेन थर्टी होता है विच मीनस दैट सी हमारा वो किसके बराबर है सी तो किसी चीज के बराबर ही नहीं है सी तो पता ही नहीं है डिवाइडेड बाई अब डीओ गोर से देखो डी किसके बराबर है देखो जो टोटल है बी वो कितना है एटी ठीक माइनस अगर आप उसमें निकालोगे बी ठीक है कि नहीं है पहले बात को समझना टोटल हमारा यहां से यहां तक 80 है ठीक है उसमें से अगर आप बीओ निकालोगे तो उधर तो ओडी बचा तो माइनस अगर मैं इसमें बीओ करूं ठीक है मीन्स एटी टोटल लेंथ माइनस बीओ उधर से बचेगा ओडी तो ओडी ही हमारा अब मैंने उसको थोड़ा चेंज जरा सा किया इज इक्वल टू टेन थर्टी वो है वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री मैंने चेंज किसको किया देखो अगर मैं बीओ प्लस ओडी दैट इज इक्वल टू बी डी ठीक है कि नहीं है बट मैंने करा 80 टोटल बी डी कितना है 80 80 एटी से मैंने ये वाला पोर्शन निकाल दिया तो उधर ये वाला पोर्शन बचा ओडी बचा तो वही मैंने लिखा ओडी ठीक है आगे अगर मैं चलू मेरे बच्चों तो मैं लिख सकता हूं सी डी को इसके साथ मल्टीप्लाई करो अंडर इधर चढ़ा चढ़ेगा तो यह बनेगा अंडर रूट थ्री सी डी बनेगा कि नहीं बनेगा इज इक्वल टू यह जाएगा इस साइड मीनस ये बनेगा 80 माइनस बी ओ एटी माइनस बी फिलहाल बनेगा ये बट मेरे बच्चों बी आपको ऊपर निकला है इसीलिए देखो इसीलिए मैंने किया था काम बी को निकाला था किसके बराबर है मैंने इसीलिए इधर ए बी को नहीं निकाला क्योंकि मुझे पता था कि आगे मुझे बी चाहिए ही चाहिए ठीक है इसीलिए मैंने इसको थोड़ा सा चेंज किया था इधर देखो अभी मैं अगर आगे इस इक्वेशन को लिखूं तो मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ थ्री सी डी इज इक्वल टू एटी माइनस बी के बदले में मैं लिख सकता हूं ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री डिवाइडेड अंडर रूट ऑफ अगर आप गौर से देखोगे ए बी का मतलब क्या है हाइट ऑफ पोल सी डी का मतलब क्या है हाइट ऑफ पोल इधर इस साइड है हाइट ऑफ पोल ए बी इस साइड है हाइट ऑफ पोल ठीक है कि नहीं है बट मेरे बच्चों हमें पता है कि ए बी जो है दैट इज इक्वल टू सी डी ए बी किसके बराबर है सीडी क्योंकि क्वेश्चन में पहला ही पॉइंट है टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट मीन हाइट ऑफ पोल सी डी इज इक्वल टू हाइट ऑफ पोल ए बी ये तो पहली वाली कंडीशन ही बोल रहा है हमें तो इट मीन्स दैट मैं लिख सकता हूं ऐसे अंडर रूट ऑफ थ्री सी डी इज इक्वल टू एटी माइनस ए बी के बदले में सी डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री क्योंकि ए बी तो सी डी के बराबर है ए बी लिखिए या सी डी लिखिए वन एंड द सेम थिंग थोड़ा सा इसको चेंज कर लो मीन्स मैं लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ थ्री सी डी ठीक इस वाले साइड को मैं इधर शिफ्ट करूंगा इधर ये माइनस था तो उधर क्या बनेगा उधर प्लस बनेगा तो प्लस बनेगा सी डी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ठीक इस साइड खाली बचा इज इक्वल टू एट्टी ठीक है मैंने इसको इधर शिफ्ट किया तो प्लस बना ठीक है कोई ज्यादा चेंज मैंने नहीं की विच मीनस दैट अगर मैं मेरे बच्चों देखूंगा कि इसमें से कोई चीज कॉमन तो नहीं है हाँ सी तो कॉमन है सी मैंने कॉमन निकाला इधर से बचेगा अंडर रूट थ्री क्योंकि सीडी को बाहर निकाला मैंने तो सीडी को कॉमन निकाला तो इधर बचेगा सीडी कॉमन रूट को फर्दर मैं सिंपलीफाई करूंगा तो विच मीन दैट सी डी ठीक है कि नहीं है ऐसे ही रखेंगे अंडर रूट थ्री इन अंडर रूट थ्री होता है अंडर रूट थ्री स्क्वायर अंडर अंडर रूट थ्री स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसिल तो मीन कितना निकलेगा थ्री निकलेगा प्लस वन ठीक ये वाला वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री इज इक्वल टू एटी फिलहाल हमारा इक्वेशन यहां तक पहुंचा ठीक है कि नहीं है आगे अगर मैं करूं तो मैं बोल सकता हूं आपको सी डी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू देखो मेरे बच्चों ये तो एटी हुआ एटी अभी थ्री प्लस वन फोर बनेगा फोर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री जब ये इस साइड आएगा तो अंडर रूट थ्री ऊपर चढ़ेगा

अंडर रूट हमारा ये है हाइट ऑफ पोल ये निकला ट्वेंटी टू ट्वेंटी हमारा वो निकला ट्वेंटी अंडर रूट थ्री ठीक है अब अगर मैं करूँ बी ओ किसके बराबर है क्योंकि मुझे बी ओ निकालनी है पहले ठीक है क्योंकि मुझे निकालना है ना इस पॉइंट से दूरी कितनी है पोल की नाउ अगर मैं करूँ बी ओ इज इक्वल टू बी ओ किसके बराबर है ए बी डिडेड बाई ए बी डिडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ए बी किसके बराबर है अगर सी डी ट्वेंटी अंडर रूट थ्री तो ए बी भी होगा ट्वेंटी अंडर रूट थ्री क्योंकि सी डी तो और ए बी के बराबर है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ थ्री होगा ए बी के बराबर ए बी के बदले में मैंने ट्वेंटी अंडर रूट थ्री लिखा क्योंकि सी डी का वैल्यू ट्वेंटी अंडर रूट थ्री इट मीन दैट ए बी बी ट्वेंटी अंडर रूट थ्री क्योंकि सी डी और ए बी बराबर है एक दूसरे के ठीक डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ऐसे ही रखा ये और ये कैंसल उधर से बचा ट्वेंटी मीटर्स ठीक है विच मीनस दैट बी ओ जो हमारा है दैट इज इक्वल टू ट्वेंटी मीटर्स ठीक आगे चले अब हमें ओडी निकालना है देखो बी डी जो है दैट इज इक्वल टू वो बराबर है बी डी जो है दैट इज इक्वल टू बी ओ प्लस ओडी ठीक कितना है टोटल तो एट्टी है ये इज इक्वल टू बी ओ कितना है बी ओ हमें निकला ट्वेंटी प्लस ओ डी कितना वो भी पता नहीं है ठीक विच means दैट जो हमारा ओ डी निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू एटी इधर से ट्वेंटी इस साइड से शिफ्ट करोगे तो माइनस ट्वेंटी बनेगा एटी माइनस ट्वेंटी उधर से बचेगा सिक्सटी मीनस दैट ओडी टू मीटर्स ठीक है कि नहीं है तो आप लिख सकते हो हाइट हाइट ऑफ ऑफ पोल अंडर पोल कितनी निकली ट्वेंटी अंडर उठी डिस्टेंस फ्रॉम ओ टू बी मीन्स पोल इधर से इधर तक कितनी है वो है ट्वेंटी एंड इस पॉइंट से इस पोल तक डिस्टेंस कितनी है वो है सिक्सटी मीटर्स हेन इज द क्वेश्चन इज सोल्व होप यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन में भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी बाय द ब्लैसिंग नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कनाल ठीक है फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक कनाल है ऐसे ये हमारी कनाल है मीन एक नदी बह रही है ऐसे ठीक ऐसे ऐसे कनाल ठीक ये कनाल है एक ठीक तो कनाल का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं रखूंगा बी सी बी सी ठीक एक कैनल है कैनल के कैनल पे ए टीवी टॉवर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक मींस ये एक बैंक है इधर साइड से इधर साइड से एक और बैंक है मीन्स किनारा इधर साइड से एक इधर साइड से एक इधर साइड से, से एक टीवी टॉवर खड़ा हो रहा ऐसे। है ऐसे ठीक है कि नहीं है टीवी टावर खड़ा हो रहा है ठीक इस टीवी टावर का फॉर एग्जाम्पल मैं नाम रखता हूं ए बी ए टीवी टावर स्टैंड वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कनाल खड़ा हो गया इधर से ठीक फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अनदर बैंक डायरेक्टली अपोजिट द टावर दूसरे पॉइंट पे जो अपोजिट है टावर की ठीक क्योंकि अपोजिट तो टावर के यही दूसरा पॉइंट ठीक द एंगल ऑफ एलविएशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 60 डिग्री यहां से एंगल ऑफ एलिविएशन 60 डिग्री फॉर्म हो रहा है

इसका जो ये टीवी टावर है इसका एंगल ऑफ एलिविएशन कितना है थर्टी डिग्री है ये मीनस ऐसे थर्टी डिग्री है ठीक तो हमें क्या करना है फाइंड हाइट ऑफ टावर हमें टावर का ये निकालना है मीन्स टावर ए बी निकालनी है ठीक इधर से हमने सी रखा और हमें क्या निकालना एंड द विड ऑफ कनाल कनाल की विड्त तो ये है यहां से यहां तक कनाल है ना तो ये हमें निकालना है मीन्स वी नीड टू फाइंड ए बी दैट इज द हाइट ऑफ टावर एंड बी सी मीन्स द विड ऑफ कनाल ये दो चीजें हमें निकालनी है लेट्स कम टू सोल्यूशन अगर मैं पहले मेरे बच्चों ये वाली ट्रायंगल ले लूं ए बी और सी ठीक है मैं पहले ले लूंगा इन ट्रायंगल ए बी और सी ठीक इसमें मुझे कुछ पता नहीं है कोई भी साइड का अंदाज़ा नहीं है तो फिलहाल मैं रखूंगा ए बी ऊपर वाला साइड तो ए बी है डिवाइडेड बाई नीचे वाला बी सी मीन्स बेस तो बी सी है इज इक्वल मीन्स हमने क्या लिया परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस क्योंकि ये इधर नाइन्टी डिग्री बनेगा ठीक परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाई बेस कितना होता है टैन और एंगल कितना है इसका एंगल है इस ट्रैगल का इधर एंगल बनता है सिक्सटी डिग्री तो हम रखेंगे टैन ऑफ सिक्सटी डिग्री ठीक विच मीन्स दैट फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें इसको ए बी तो ए बी ही है डिवाइडेड बाई बी सी तो बी सी है इज इक्वल टू टेन सिक्सटी का वैल्यू अंडर रूट ऑफ थ्री फिलहाल ठीक है तो विच मीन्स दैट मैं लिख सकता हूं बी सी इज इक्वल टू बी सी को मैंने इस साइड चढ़ा लिया तो बी सी इज इक्वल टू ठीक है ए बी फिर ही मैंने उधर ही रखा ए बी मैंने उधर ही रखा ए बी को मैंने कोई चेंज नहीं किया अंडर रूट मैंने इधर साइड शिफ्ट किया ए बी के साइड तो उधर वो डिवाइड होगा is, मैंने, 3 को A, के आ जाएगा, वही मैंने किया मैंने सी का वैल्यू निकाला फिलहाल इधर से सी इज इक्वल टू ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री मैंने फिलहाल निकाला ठीक अगर हम अब करें इन ट्रायंगल ए बी और डी ठीक मैं करूंगा नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी ए बी डी अगर मैंने ट्राइंगल ली इसमें भी मैं करूंगा ए बी मीन्स परपेंडिक्यूलर डिवाइडेड बाई बेस बेस क्या इधर है बेस है बी डी इस टाइम इज इक्वल टू परपेंडिक्युलर डिवाइडेड बाई बेस टेन ऑफ एंगल कितना है इस टाइम फुल ट्रैंगल का थर्टी है तो थर्टी डिग्री लेंगे ठीक विच मीन्स दैट अगर मैं फर्दर सिंपलीफाई इसको करूं ए बी तो ए बी ही है डिवाइडेड बाई बी डी को मैं लिख सकता हूं देखो बी डी यहां से यहां तक है बी डी को मैं लिख सकता हूं सी डी या डी सी डी सी प्लस बी सी ठीक है कि नहीं है मीनस यहां से यहां तक प्लस यहां से यहां तक वही मैंने लिखा डी बी इज इक्वल टू यानी कि बी डी इज इक्वल टू डी सी प्लस बी सी ठीक इज इक्वल टू टेन ऑफ थर्टी डिग्री दैट मीनस टेन थर्टी का वैल्यू कितना होता है वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री फिलहाल इतना समझ आ गया होगा नाउ अगर हम थोड़ा और आगे चले

ठीक है कि नहीं है फिलहाल इधर साइड से भी हमारा वैल्यू कितना है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ तो आगे चले मेरे बच्चों इट मींस दैट अगर मैं आगे चलूं तो A, B, तो ए ए बी बी ही निकलेगा डिवाइडेड बाय फिलहाल इसकी तरह कोई छेड़छाड़ नहीं इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये बनेगा ट्वेंटी अंडर रूट थ्री अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया इसको इसके साथ प्लस क्या प्लस ए बी उधर साइड से डिवाइडेड बाय दोनों का हो जाएगा अंडर रूट ऑफ थ्री क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ट्वेंटी अंडर रूट थ्री प्लस ए बी डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री ऐसे है इज इक्वल टू इधर साइड से वन डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ थ्री फिर से थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे ये अंडर रूट थ्री ऊपर चढ़ेगा तो ये बनेगा ए बी अंडर रूट थ्री ठीक है कि नहीं है इज इक्वल टू अब देखो इज इक्वल टू इधर साइड से देखो ए बी अंडर रूट ये अंडर रूट थ्री को मैंने ऊपर मीन्स ऊपर चढ़ेगा तो थ्री से इसको अंडर को ए बी से मल्टीप्लाई होगा समझना बात को ये अंडर रूट थ्री इधर ही रहा फिलहाल ठीक है कि नहीं है ये अंडर रूट थ्री ऊपर चढ़ा तो इसको थ्री से मल्टीप्लाई ए बी से मल्टीप्लाई हो गया ठीक है कि नहीं है मीन ए बी अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई ट्वेंटी ए इसको इधर चढ़ा लिया तो इधर चढ़ा ये फिलहाल उधर ही रहा फिर से अगर सिंपलीफाई करोगे थोड़ा सा अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री इधर साइड से इस अंडर रूट थ्री को अब इधर चढ़ाना है अंडर रूट थ्री इंटू अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री स्क्वायर बनेगा स्क्वायर रूट कैंसिल होकर यह बनेगा इधर थ्री ए बी थ्री ए बी और ये ए बी इधर साइड शिफ्ट करोगे तो माइनस ए बी आ जाएगा इजी कोल्ट इधर साइड से अब खाली बचेगा ट्वेंटी अंडर रूट थ्री ठीक विच मीनस दैट थ्री ए बी माइनस ए बी टू ए बी होगा इज इक्वल टू ट्वेंटी अंडर रूट थ्री विच मीनस दैट हमारा ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू ट्वेंटी अंडर रूट थ्री डिवाइडेड बाई टू ये टू इधर डिवाइड हो जाएगा टू वन आर टू टेन आर ट्वेंटी विच मीनस दैट हमारा ए बी जो है दैट विल बी इक्वल टू टेन अंडर रूट ऑफ थ्री मीन्स ए बी हमारा निकला कितना टेन अंडर रूट ऑफ थ्री फिलहाल हमारा ए बी निकला तो BC किसके बराबर है BC हमने रखा है उधर ही देखो बी सी टू ए बी डिडेडी का वैल्यू टेन अंडर रूट थ्री और डिवाइडेड बायर रूट थ्री तो डिवाइडेड बाई अपना अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री अंडर रूट थ्री कैंसल विच मीन एट बीसी इज इक्वल टू टेन हमें निकालना क्या क्या था एक तो हमें निकालना था इसकी कैनाल की विड़त कितनी है वो बीसी थी तो 10 निकल गया ठीक और दूसरा हमें निकालना था ए बी मीनस इस टीवी टॉवर की हाइट क्या है तो वो टेन अंडर रूट थ्री निकला ठीक है कि नहीं है तो आप लिख सकते हो डियर फोर विडथ ऑफ विडथ ऑफ कनाल इज इक्वल टू टेन मीटर्स एंड हाइट ऑफ टॉवर इज इक्वल टू टेन अंडर रूट थ्री मीटर्स होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ इन केस यू आर फीलिंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम एंड कन्फ्यूजन टू कॉमेंट मी इन द कॉमेंट सेक्शन मुझे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि हमें कोई प्रॉब्लम हो रही हो रही है तो मैं वो प्रॉब्लम दूर करूंगा डेफिनेटली बाई द ब्लसिंग ऑफ ऑल माई टी थैंक यू इस क्वेश्चन को गौर से देखना क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना क्वेश्चन को रिपीटेडली प्रैक्टिस करना इसको सपरेट एक नोट बनाना तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा थैंक यू